एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस स्क्रीन पर जो आप एक जीव देख रहे हैं, जी हाँ, ये है मधुमक्खी। मधुमक्खी बहुत ही देखने में सुंदर भी लगती है और ये हमारे बड़े काम की चीज़ भी है, क्योंकि इसके माध्यम से जो शहद होता है वो हम इंसान लोग बहुत ही चाव से उसका प्रयोग करते हैं। पर कभी कभी जब ये मधुमक्खी काट लेती है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और हम लोग इसी वजह से इसको लाइक नहीं करते हैं और इसको अपने घर में घुसने देना भी पसंद नहीं करते हैं। पर हम ज़रूर चाहते हैं कि मधुमक्खी से हमको निरंतर शहद और शुद्ध शहद मिलता रहे, इसीलिए कुछ लोग मधुमक्खी का पालन भी करते हैं। मधुमक्खी के पालन को मौन पालन की विधि से किया जाता है, जिससे कि हमको शुद्ध शहद मिल सके और इंसान मधुमक्खी का काफ़ी सदियों से प्रयोग करता रहा है। पर कभी कभी ये मधुमक्खी काट लेती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कैसे मधुमक्खी का डंक जो है वो मानव शरीर में एंटर कर जाता है और इसीलिए हमें इससे बच के रहना चाहिए। और जहाँ कहीं भी मधुमक्खी का झुंड हो या छत्ता हो तो हमें उससे जगह से बच के निकल जाने में ही समझदारी है, अन्यथा उसके काटने पर बहुत से ज़्यादा ही हमको नुकसान हो सकता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक ये समाचार पत्र में एक समाचार आया था जहाँ पर कुछ अनशनकारी अपनी मांगे ना माने जाने की वजह से एक पानी की टंकी में चढ़ गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी है और मधुमक्खी का उनका टंकी पर चढ़ना पसंद नहीं आया और वो अपनी जगह से तितर बितर होकर के इंसानों को, ये देख रहे हैं पिक्चर में, बीच वाली पिक्चर में, काटने लगी, जिससे कि भाग करके उन सभी को नीचे आना पड़ा और ये अनशन को ख़त्म करने पड़ा। उसके पश्चात ये लोग सभी जो है वो उनको अस्पताल में ले जाया जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ कभी भी आप देखें कि मधुमक्खी का छत्ता है तो कोशिश तो यही करें कि आप मधुमक्खी के छत्ते से बच बचा के निकल जाएं, जिससे कि आपको उसका दुष्परिणाम ना झेलना पड़े। और इस तरह की घटना हो सकती है किसी के साथ, कभी कभी हम देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते के नीचे कुछ लोग पिकनिक पार्टी मनाया करते हैं, जिससे कि उसके धुएं की वजह से मधुमक्खी तितर बितर हो जाती है और उनके काटने की पूरी आशंका बढ़ जाती है। मधुमक्खी ज़्यादातर ओपन स्पेस में काटती है, इसलिए जब कभी हम मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह चला रहे हैं तो ये हेलमेट प्रयोग करने से ये भी फायदा है कि आपका चेहरा बचा रहता है, क्योंकि मधुमक्खी जहाँ काटती वहाँ पर डिसफिगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक जगह मधुमक्खी ने कैसे जहाँ काटा है वहाँ पर आसपास की स्किन लाल हो जाती है, बीच में ब्लिस्टर पड़ जाता है और बहुत ही तीखा, बहुत तेज इमिडिएटली उसमें दर्द होता है। कभी कभी ये मधुमक्खी कई सारी मधुमक्खी काट लेती है, तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कितने सारे मधुमक्खी के काटे के निशान या मधुमक्खी के डंग जो हैं वो जगह जगह पर फैले हुए हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे मधुमक्खी का एक डंग स्किन के अंदर घुस जाता है। इसी डंग में एक प्रोटीन सिक्रीट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से सूजन होती है, जलन होती है, दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस डंग को निकाल दें। इस डंग को निकालने के लिए इमिडिएटली आपके पास किसी के पास ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है, तो इससे आप उसकी जिससे इस पिक्चर में दिखाया गया नोक से उसके एंड को स्वाइप करके आप इसको डंग को आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में ट्वीज़र है या कुछ पतली चिमटी नुमा चीज़ है तो इस डंग को निकाल लेना उचित रहेगा, क्योंकि इसी डंग में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि जाकर के हमारे शरीर को दिक्कत देते हैं। इस फिगर में देख रहे हैं कैसे आप कार्ड से को स्किन में टच करते हुए अगर आप ऐसे स्वाइप कर देंगे तो जो भी डंक है जो कि थोड़े बहुत ऊपर दिख रहे हैं उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि उसका जो है इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। और इमिडिएटली अगर आपको बेकिंग पाउडर लगे या तो कुछ लोग कहते हैं कि चूना लगा लो, तो उससे भी एक वो एंट एसिड की तरह काम करता है और वहाँ पर जो सूजन होने की जो क्षमता कम हो जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। आपको क्या चाहिए कि जिस स्थान पर मधुमक्खी ने काटा हो उस स्थान पर आप बर्फ़ लगाएं, कम से कम 5 से 6 मिनट तक वहाँ पर बर्फ़ लगाएं आपके हाथ पे, पैर पे, मुँह पे, जहाँ पर भी काटा हो। इससे इमिडिएट जो होने वाली सूजन होती है वो कम हो जाती है और उसका जो है पेन भी है वो कम हो जाता है। आप उस स्थान पर लैक्टोकैलामाइन सूदिंग क्रीम है, इसको लगा सकते हैं, लगा के छोड़ दीजिए तो कि आपके सूजन और दर्द वगैरह कम हो जाती है। यह है कुछ होम रेमेडियल सब्सटेंस, इसमें आप देख रहे हैं जैसे आइस है, हनी है, लहसुन है, बेकिंग सोडा है या तो टूथपेस्ट है, ये लोग भी कुछ लोग लगा लिया करते हैं जिसका इफेक्ट रहता है, पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अगर डंग थोड़ा सा गुस्सा है तो उस पर वो इफेक्ट कर जाती है। अगर हम दवाओं की बात करें तो अगर आपको थोड़ी सी जलन है या तो आपको थोड़ा सा फेवरीज जैसा लगना शुरू हो रहा है तो आप पैरासीटामोल की गोली 500 mg ले सकते हैं। इस गोली का आप दिन में 2 से 3 बार
तक ले सकते हैं, जिससे कि सूजन और पेन वगैरह कम हो जाएगी। अगर आपको उस जगह पे पेन बहुत ज़्यादा है तो आप ये आइबुप्रोफेन है या तो फिर ये आपको सूमो नाम की गोली है, इस दवा का सेवन आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिससे कि सूजन कम हो जाएगी। और अगर काफ़ी ज़्यादा सूजन है तो सूजन कम करने के लिए जो अलग से दवा मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सेरेसियो पेप्सिडेज होता है, एक एमडेज फोर्ट नाम की ये दवा है, तो इसको भी दिन में 3 से 4 बार का सेवन कर सकते हैं। ये एक दवा है जिसमें ये सारी दवाओं का कम्बिनेशन है, और साथ में आप एलेग्रा अगर ले लेते हैं, ये जिससे कि एंटी हिस्टामिनिक की तरह काम आती है, तो एलेग्रा दिन में 1 बार और मॉब एएसपी ये दिन में 3 बार आप लेके ले लिए 4-5 दिन के लिए। अगर वो लोकल एरिया में बहुत ही ज़्यादा सूजन है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हाइड्रोकॉर्टिजोन 1% क्रीम मार्केट में उपलब्ध है, ये लेकर के दिन में 3 से 4 बार आप उस एरिया में लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो ये तो है कि अगर कोई सिंगल मधुमक्खी कट पर अगर कोई मधुमक्खी का झुंड कभी कभी आप अगर आप पे अटैक कर देता है, तो आपको चाहिए कि आप तत्काल उस मरीज को लेके अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि तो अस्पताल में ही उसकी ठीक से देखरेख हो सकती है। नहीं तो उसके इतने ज़्यादा टॉक्सिन शरीर में फैल जाते हैं कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों की इस टॉक्सिन की वजह से मृत्यु तक हो जाती है। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको या आसपास जैसे मधुमक्खी जिसने अटैक कर लिया है, तो पहले तो कोशिश करें आप उस व्यक्ति को अपने को प्रोटेक्ट करते हुए उस व्यक्ति को किसी कंबल या चादर से अच्छी तरह से ढक लें, उसको खींच के उस एरिया से बाहर निकल जाएं, मरीज को अस्पताल लेकर जाएं। अस्पताल में मरीज का आईवी लाइन ड्रिप सेट एक स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे कि तत्काल कोई दवा देने की ज़रूरत पड़े तो वो मरीज को दे दी जाती है। इसके साथ ज़रूरी है कि मरीज को एक टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन जरूर लगा दिया जाए, क्योंकि आप उसके डंक में और सारी चीज़ें गंदगी जो है और ये टॉक्सिन जो है जाते हैं, तो हो सकता है कि टेटनस भी हो सकता है, तो एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगा देना चाहिए। साथ में हमको जरूर कर लेना चाहिए मरीज का ECG, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा उसमें घबराई स्थिति में होता है। अगर उसको हाइपरटेंशन है तो एक बार ECG करके जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ में जो दवा दी जाती है वो एंटासिड है, वो है पेंटाप्रोजोल, इसमें पेंटोप नाम से दिखाया गया है, इसका एक एम्प्यूल IV लाइन से दे दिया जाता है। साथ में हम जो एविल दवा दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सेडेशन भी होता है, पर ये बहुत ही कारगर दवा है, इससे जलन सूजन और कपकपीपन जो होती है वो सब कम हो जाता है। तो एविल का इंजेक्शन 1 एम्प्यूल दिन में 3 बार तक लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम सूजन को कम करने के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन या डेक्सोना के नाम से उपलब्ध है, ये भी आप इमिडिएटली 1 एम्प्यूल लगा दें, ये दिन में 3 एम्प्यूल तक मरीज को दे सकते हैं। अगर मरीज को काफ़ी ज़्यादा घबराहट बेचैनी सूजन जलन है, तो हम स्टेरॉयड के रूप में हाइड्रोकॉर्टिजोन उपलब्ध है, ये 100 mg 200 mg में आता है, तो 100 mg हम IV लाइन से दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं, जिससे कि मरीज को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। उसके बाद जब मरीज को पूरा आराम आ जाता है तो हम मरीज को जो डिस्चार्ज करते हैं वो इसी एसिक्लोफिनाइक पैरासिटामोल और सेरेसोपेप्टिडेज के कॉम्बिनेशन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, जो कि दिन में 3 बार लेने से उचित रहता है। ये 5 से 7 दिन मरीज को लेना पड़ता है। तो हम जहां मरीज मधुमक्खी को शहद के लिए उपयोग करते हैं, वहीं हमें चाहिए कि हम अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह से वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत